आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज विधानसभा में अपने कार्यालय का पदभार संभाल लिया है। वहीं इस दौरान दयाशंकर सिंह से प्राइम टीवी ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन दयाशंकर सिंह जी ने विधानसभा में पूजा पाठ करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से संभाल ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, एक बहुत अहम विभाग आपको मिला है और आज आपने नवरात्रि के पहले दिन इसकी जिम्मेदारी विधानसभा कक्ष में संभाल ली है, क्या कहना है, क्या एजेंडा है और क्या तैयारियां? देखिए, सबसे पहले तो जोगी जी के जो संकल्प पत्र है जिसमें परिवहन विभाग के लिए कुछ जो है कार्य आवंटित है, हम पहली प्राथमिकता मेरी वही होगी कि जो संकल्प पत्र में है उसको 100 दिन में पूरा करें। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर परिवहन सेवा मिले। जहाँ तक अभी परिवहन निगम पहुँच नहीं पाया है वहाँ तक पहुँचाएँ। बहुत सारे अभी ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर आज भी परिवहन की बहुत समस्या है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि हर गाँव से उत्तर प्रदेश परिवहन को जोड़ें। समय पर हमारी जो है सभी हमारी जो बसें चलें, लोगों को ये विश्वास हो कि मैं अपने गंतव्य पे समय से पहुंच जाऊंगा तो हमारे लिए उपलब्धि होगी। साफ सफाई का विशेष ध्यान हो और जब मैं पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर लूँगा तो जो लीकेज है, हमारी जो हमारी विभाग की लीकेज है उसको भी दूर करूँगा, क्योंकि हमारे मैं कोई बेहतर सेवा तभी दे पाऊँगा कि हमारे राजस्व जो है बढ़े। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो राजस्व हो वो बढ़े, और ये तभी बढ़ सकता है जब मैं उनको एक बेहतर सेवा दूंगा। लोगों को लगेगा कि नहीं, परिवहन विभाग को किसी यात्रा हम करेंगे तो समय से पहुंचेंगे, कम पैसे में ज़्यादा सेवा देने की कोशिश करूंगा। ग्रामीण इलाकों में जो हमारी ग्राम सभाएँ अभी तक इससे अभी अछूती है, कई कई किलोमीटर तक हमारे जो है प्रदेश की जनता अपने आवागमन के लिए उसको पैदल जाना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि हर गांव से कनेक्टिविटी हो और इसके लिए बसों की व्यवस्था होगी। कुछ बसें हम लोग खरीदने जा रहे हैं, कुछ मेरे पैसे बकाया है और विभागों पर, मैं चाहूँगा कि वो पैसे भी हमको मिले तो हम 2000 बसें कम से कम आ जाए, तो हम जो जहाँ पर अभी तक बसें नहीं हैं वहाँ पर हम बसें लगा सकते हैं। और यदि लोगों में विश्वास होगा तो हमको पूर्ण विश्वास है कि मैं जोगी जी के जो इच्छा है परिवहन विभाग को बेहतर करने के लिए, और उसको मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर वन उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम बने, इसकी मैं कोशिश करूँगा। सर, प्रदेश में बड़ा तबका जो है जनसंख्या का वो परिवहन की बसों का इस्तेमाल करता है आवागमन के लिए, लेकिन कुछ शिकायतें भी बीते दिनों बीते सालों में देखने को मिली हैं, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो गई हो या बसों की कमी की वजह से हो गई हो, तो क्या इन शिकायतों को टैकल करने के लिए, इसका निस्तारण करने के लिए कोई मॉनिटरिंग सेल भी आप लोगों की तरफ से बनाया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उन्हें सुविधा मिल सके? देखिए, सेल और सब चीज़ें बनी हुई हैं, बस उसको बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ करना है, जो चीज़ें हैं उसको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में बहुत सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, देश की जनसंख्या का 1/4 उत्तर प्रदेश है, तो उसको और भी यहाँ जितना किया जाए उतना ही कम है। तो हम चाहेंगे कि अभी बसों की बेड़ा बढ़े, और एक नियम है कि जो पुरानी बसें होती हैं उसको हम लोग को उसको निकालना पड़ता है, नए बसें खरीदने पड़ते हैं। बहुत दिनों से नई बसें खरीदी नहीं गई, पुरानी बसें जो हमारी कंडम होती चली गई, तो जो जितनी हमारे पास थी व्यवस्था आज उतनी भी व्यवस्था नहीं है। कुछ कोरोना ने भी सभी लोगों को कोरोना ने नुकसान पहुँचाया, उससे हमारा परिवहन निगम भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि परिवहन निगम ने पिछले दिनों में कोरोना काल में बेहतर काम किया है। और ये सबसे मैं कहूँगा कि जो आवश्यकता थी, हमारे बहुत सारे बच्चे कोटा में फंसे थे उसको परिवहन निगम लाए, नोएडा में
हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के मजदूर नौजवान खड़े हो गए थे, उनको रातों रात उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारे रोडवेज के लोग की व्यवस्था ने किया। इलाहाबाद में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में जो हमारे बच्चे थे जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके यहाँ रोडवेज की बसें गई और उनको घर तक पहुंचाने का काम की। कोरोना में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और भी मैंने बहुत सारे काम है कि हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं, समय पर हमारी सब सेवाएँ हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान हो, बहुत सारे काम है उसको अभी हम करेंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले तो हम जो संकल्प पत्र में है उसको 100 दिन में पूरा करेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी 5 साल जो सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रही है उस दौरान भी परिवहन विभाग में काफी बेहतर काम हुए हैं और आने वाले 5 सालों में भी बेहतर काम होंगे। लेकिन अभी जो 100 दिनों का एजेंडा लेकर के सरकार काम कर रही है उस 100 दिन में हम विकास की गति पर काम करेंगे और परिवहन विभाग को भी एक नए आयाम पर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं रितिन प्राइम टीवी। खबर फरीदाबाद से है जहां पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर हिंदू नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया और सभी प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर हिंदू नववर्ष की खुशी जाहिर की। आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को देना चाहता हूँ। संवत 2079 की आज शुरुआत हो गई है और सभी लोग आपस में बधाई देकर, मिठाई खाकर, मिठाई बांटकर इस नववर्ष को मनाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक कैलेंडर जिसको आप आज हमने यहाँ पे विमोचन किया है, पहले भी हम इस कैलेंडर को रेगुलर छपाते रहे थे लेकिन कोविड की वजह से कैलेंडर 2 सालों से नहीं छपाया था। तो ये हिंदू नववर्ष का कैलेंडर जिसमें हिंदू तिथियाँ, अमावस, पूर्णिमा, कार्तिक मास, सभी तरीके के चैत्र, बैसाख, इस तरीके के सारे दिनचर्या इसमें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कैलेंडर की बहुत उपयोगिता हमारे घरों के अंदर, हमारी महिलाओं को जब तीज त्यौहार मनाते हैं उस समय इसकी ज़रूरत होती है। तो आज यहाँ हज़ारों की संख्या में कैलेंडर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता के जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के हम लोग का पूरे देश में ये प्रदर्शन है भारत में महंगाई मुक्त करने का, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे देश में ये जगह जगह हो रहा है। होली के बाद तत्काल पहला तोहफा दिया गया महिलाओं को, जो महिलाओं के लिए कहा जा रहा था कि सिलेंडर मुक्त देंगे, वो सिलेंडर 1000 पार हो गया, गैस 1000 पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी गैस हो गया, ये सब लगातार आए दिन, आज 8-9 दिन हो गया लगातार इनके बढ़ोतरी होते जा रहे हैं गैस पे। ये सिर्फ कॉर्पोरेट सरकार को चाह रही है, अंडानी और अंबानी को ही ये इनके हम दो हमारे दो हैं। इसलिए इस अभियान को लेकर आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता के सम्मान में सड़क पर हैं और जब तक महंगाई कम नहीं होगा, वापस नहीं होगा, तब तक ये। खबर कन्नौज से जहां समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक संचारी रोग अभियान में शामिल हुए। इस दौरान मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ दिलाई गई, साथ ही रैली का भी आयोजन किया गया, झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। बता दें कि कन्नौज के सीएमओ दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। साल में कुछ समय ऐसे होते हैं जब संचारी रोग बढ़ जाते हैं और उसके लिए उत्तर प्रदेश शासन माननीय योगी जी के निर्देश में, मुख्यमंत्री के निर्देश में संचारी रोगों को रोकने के लिए अभियान चलाता है और ऐसा अभियान आज शुरू हुआ है। मुख्य रूप से इसमें मच्छर, सुअर और चूहे, इनको रोकने का प्रबंध करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमेशा हमें सफाई रखना है, घर की भी और सड़कों की, नालियों की, आसपास की, झाड़ियों की। जब सफाई होगी तो स्वच्छता से स्वाभाविक रूप से बीमारियाँ दूर चली जाती हैं। तो इसी के तहत ये अभियान है और लेकिन अभियान से ज्यादा इसको हमेशा बना के रखना है ताकि। खबर गाजियाबाद से जहां के मोदी नगर में स्थित गांव सीकरी कला में स्थित महामाया मंदिर पर हर साल की तरह इस साल भी चैत्र नवरात्रि के दौरान महामाया देवी मंदिर पर मेला लगा, जिसका उद्घाटन डीएम ने नारियल फोड़ कर किया और इसके बाद माता के मंदिर में जाकर माथा टेका। वहीं पुजारी ने बताया कि यह मंदिर 550 वर्ष पुराना है, जिसके साथ सैकड़ों कहानियां जुड़ी हुई हैं। पुजारी ने बताया इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मनोकामना करते हैं उनकी कामना जरूर पूरी होती है। बता दें माता की पूजा करने के बाद श्रद्धालु इस वट वृक्ष को भी नमन करके शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं।
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमारा मंदिर कम से कम 550 साल पुराना है और यहाँ पे भक्त अपनी सारी मान्यता लेके आते हैं, हर मनोकामना मांग की पूरी करते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मेला भी नहीं लगा है, तो इस बार मेला भी अच्छी तरह लगेगा। लोगों की आस्था जुड़ी है और आप इधर कैमरा को सामने वट वृक्ष है, वो हमारे यहाँ के कुछ शहीद लोग थे, मतलब क्रांतिकारी लोग थे, वहाँ पर शहीद हुए थे, तो उसे शहीद वृक्ष भी बोला जाता है। मेला जी पूरे नवरात्र लगेगा, आज पहले नवरात्र से और नवमी तक लगेगा, नवमी के बाद भी चलेगा लेकिन नवमी पे लास्ट है। ये सीकरी महामाया मंदिर का एक परंपरागत नवरात्रि का मेला होता है, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, आज से शुरू हुआ है, नौमी तक पूरा चलेगा। और चूंकि ये दो वर्ष के बाद कोरोना महामारी के चलते ये नहीं लग पाया था, 2 वर्ष के बाद लगा है, तो इसलिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस की, ट्रैफिक की और साफ़ सफाई पूरी तरह से है। सभी श्रद्धालुओं से मेरा जो अनुरोध है वो ये है, और यहाँ के गांव के लोगों से भी, कि साफ़ सफाई पूरी तरह से बनाए रखें। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो यहाँ पीछे कैंप है अधिकारियों का, पुलिस का, CCTV भी लगे हुए हैं, कोई भी समस्या हो तो यहाँ खोया पाया केंद्र में आकर अवगत कराएँ। खबर बलिया से है, जहां पेपर लीक के मामले पर बलिया डीएम ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान डीएम महेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि पेपर का कोई भी लिफाफा नहीं खुला था और लिफाफों की दोबारा बोर्ड की टीम जांच करने आई है और जांच के बाद निकले निष्कर्ष से साझा किए जाएंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां बढ़ते अपराध के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स के साथ अलीगढ़ में पैदल मार्च निकालते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की है, जहां उन्होंने बताया कि अपराधों का अंकुश लगाने के लिए दिन में 2 बार पैदल मार्च निकाला जाएगा, 2 और 4 पहिया वाहन को रोज चेक किया जाएगा, बिना हेलमेट 3 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों के चालान किए जाएंगे और 4 पहिया वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी, संदिग्ध व्यक्तियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और धार्मिक स्थानों पर भी चेकिंग अभियान चलेगा। पहले भी सरकार और शासन की मंशा अनुसार सभी पुलिस को पैदल गश्त के आदेश रहते हैं। इसके अलावा जैसे मिशन शक्ति है उसके अंतर्गत और हमारे जो दस्ते हैं जो सुबह शाम महिलाओं के स्कूल कॉलेज इनके आसपास सतर्क रहते हैं, राउंड पे रहते हैं, और फिर इस तरह के लोग जो अराजक लोग हैं, अराजकताएं पैदा करते हैं सड़क पे या सड़क के अपराध कारित करते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, उन पर नकेल लगाने के लिए ये जो पुनः इस बार आदेश हुए हैं उसमें सुबह और शाम दोनों टाइम गश्त का प्रावधान है। और हमारे जनपद के सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश किया गया है कि सुबह शाम सड़कों पर गश्त करें, एक सुरक्षा का एहसास पब्लिक को दिलवाएँ, लोगों से पूछें, उनसे क्वेश्चन करें जिन पर भी संदिग्ध हैं, जिन पे संदेह है, और इस तरह जो है एक सुरक्षा का। रायबरेली में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अनीता साहू की ओर से 2 फैसले लिए गए हैं, जिसमें जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में लंबे समय से चल रहे अवैध साइकिल स्टैंड की वसूली को खत्म कर निशुल्क कर दिया गया है, तो वहीं परिसर में बने रैन बसेरे के ठेके को निरस्त कर निःशुल्क कर दिया गया है। तो साइकिल स्टैंड यहाँ पर निःशुल्क कर दिया गया है। अस्पताल में हम लोग ने सारी सुविधाएं निःशुल्क दी है, 1 रुपया खाली पर्चा का होता है, फिर एक्सरे हुआ, ऑपरेशन हुए, खाना हुआ, भर्ती का, तो सारे चीज़ें निःशुल्क है, पैथोलॉजी निःशुल्क है। कारण ये पूरे यूपी में कहीं भी कोई भी ठेकेदार या वेंडर साइकिल स्टैंड में पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो उसी कई सालों से चल रहा। अब वो हमारे संज्ञान में नहीं है, हम तो अभी आए हैं, तो 1 तारीख से फिर उसको कर दिया गया कि आप निःशुल्क दें, क्योंकि गरीब जनता आती है, अब 1 रुपये के पर्चे में अब वो उससे ज़्यादा उनका साइकिल स्टैंड का लग जाता है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मरीज को लेकर जा रहे एम्बुलेंस में बीच रास्ते में डीजल खत्म हो गया, इसे ट्रैक्टर से खींचकर पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ा, महिला अंदर तड़पती रही, वही अब घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना बिजनौर और मेरठ के बीच की है। खबर बांदा से, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे घायल हो गए, जहां पिछले काफी समय से जनपद के अर्धजा नरैनी क्षेत्र में दोनों लुटेरे सक्रिय थे। दोनों लुटेरे मध्य प्रदेश के जनपद छतरपुर के रहने वाले हैं, जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। वहीं सूचना पर पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मामला
अतरजो थाना अंतर्गत अतरजो बदौसा रोड शांति धाम स्कूल के पास का है। देखिए ये अभी लगभग एक डेढ़ महीने पहले की घटना थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ये ज़्यादा एक्टिव हुए थे। इनका कार्य क्षेत्र जो है वो अगल बगल के जनपदों में भी जो भी पता चला है कि इन्होंने लूट जैसी घटनाओं को किया है, जिसको हम लोग पता कर रहे हैं। और उसके अनुसार एक तरफ टेम्पो चालक दिन भर मेहनत करके अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वहीं डीजल की बढ़ती कीमत ने कमर तोड़ रखी है। बता दें लखनऊ के गुरुबख्शगंज चौराहे के टेम्पो पे ठेकेदार की मनमानी से अवैध वसूली का सिलसिला चरम पर है। वहीं टेम्पो चालकों से बातचीत में उन लोगों ने बताया कि टेम्पो चालकों में भारी आक्रोश है और उन लोगों ने टेम्पो बंद करने का फैसला लिया है, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चालकों की मांग है कि यह अवैध वसूली जब तक मंद नहीं हो जाती है टेम्पो नहीं चलाएंगे। हम खड़े इसमें लालगंज के बस स्टॉप, पुराने बस स्टॉप जो कहा जाता है, और यहाँ पर कभी कभी लगभग जो है 150 खड़े हुए यहाँ पे जो ई रिक्शा चालक है। आपको बताते चले कि ये अवैध वसूली के चलते यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस लिए इकट्ठा हुआ, किस लिए अवैध वसूली। सर यहाँ पर जो अवैध वसूली को लेकर आरोप लगा है यहाँ पर, इसका आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, किस कौन से जिम्मेदार? थैंक यू। ये जो अवैध वसूली हो रही है नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी लालगंज की मिलीभगत से हो रही है। उनके द्वारा दिए जा रहे संरक्षण की वजह से जो भी ठेके उठते हैं उन ठेकेदारों के द्वारा इन लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी शुल्क कुछ दूसरा है, इनसे कुछ दूसरा लिया जाता है। इन्हें ना तो पक्की रसीद दी जाती है और मूलभूत सुविधाएं जो टैक्स देते हैं उसके बदले में इनको मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। जैसे कि टीन सेट होना चाहिए इनके बैठने के लिए, इनकी पार्किंग के लिए ई रिक्शा होना चाहिए, वो लगाने के लिए जगह होनी चाहिए पार्किंग के लिए, साथ में जो है इनको पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, ये कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। ना इनको पक्की रसीद दी जाती है, रसीद पर अपने हाथ से लिख करके जो मनमाफी जो भी आता है मन में वो अमाउंट लिख करके दे देते हैं, ठीक है। और ना ही कोई रेट बोर्ड जो कि सभी टैक्सी स्टैंड पर लगा होना चाहिए वो है। तो इसमें पूरी तरीके से दोषी जो है नगर पंचायत अधिकारी आपके लालगंज के हैं, उनके द्वारा ये सारा कृत्य किया जा रहा है। उनकी मिली भगत की वजह से ये शोषण इन लोगों का हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और इनको बचाने के लिए आज हमने लेटर जो कि मुख्यमंत्री को संबोधित है लिख रहे हैं, जिसमें इन लोगों के अधिकारों का हनन ना हो और उसे रोकने के लिए ये पत्र हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं रुका तो आप क्या करेंगे? ये अगर ये नहीं रुकता है तो इसमें हमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल करके इन लोगों के ऊपर जो है विधायक कार्रवाई करवानी पड़ेगी। आज किस लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, किस लिए इकट्ठे हुए हैं लोग? आज हम लोगों के लिए जो है कम से कम मान लीजिए डबल चार्ज कर दिया गया है। लगातार पहले 10 रुपये लिया जाता था, फिर एक साल बाद 15 रुपये लिया जा रहा है, इसके बाद अब 20 रुपये लिया जा रहा है। ये कल से 20 रुपये अचानक बढ़ा दिया गया है। अब ठेका हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या यहाँ पर कोई स्टैंड है? नहीं, यहाँ कोई स्टैंड नहीं है, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं, केवल डायरेक्ट पर्ची के ऐसे नाम पे लिख के दे दी जाती है और पैसे। खबर कानपुर से, जहां जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा के निर्देश पर सभी तहसीलों में अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित किया गया और लगातार कार्यवाही करते हुए कब्जे खाली कराए जा रहे हैं। जिस क्रम में घाटमपुर में जिलाधिकारी श्री आयुष चौधरी की टीम ने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग गाँव में कुल 4.41 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। खबर मऊ से, जहां सरसा गांव के रहने वाले सुखराम सिंह महाविद्यालय में जबरिया अपने अंग रक्षक और सरकारी गनर से प्रतापगढ़ के बंदूकधारियों के साथ पहुंचकर विद्यालय के कर्मचारियों को धमकाया। इस दौरान प्रबंधक ने उनके विद्यालय पर जबरिया कब्जा करने के आरोप लगाए। बता दें यह पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हुआ है। तमाम कर्मचारियों को, अध्यापकों को, प्रिंसिपल को, सबको प्रताड़ित कर रहे थे, डरा रहे थे। मुझे सूचना मिली, मैं आ गया। मैं जब पहुंचा तो बातचीत होने लगी और बिल्कुल फर्जी ढंग से, चूँकि थे कोई कागज उनके पास नहीं था, तो प्रशासन के लोगों ने बात किया और वो लोग कहे कि ऐसा है किसी दिन सब कागज़ दिखा दीजिए। तो तय यह हो गया कि ठीक है, परसों माने क्या तारीख है, तीन तारीख को सरा लखनसी थाने पर इनके पास जो पेपर है वो भी दिखाएंगे, हमारे पास जो है वो भी दिखाएंगे, कौन वहाँ है, किसका होना चाहिए कागज़ से कौन वहाँ का मैनेजर है, तय हो जाएगा, तय तो है, मैं जानता हूँ। रायबरेली में नवरात्र के पहले दिन निजी स्कूल में मां दुर्गा का रूप धारण किए महिलाओं का शहर कोतवाल ने पूजन किया। मां दुर्गा के रूप वाली कन्याओं के पूजन के साथ ही मिशन शक्ति के तहत कन्याओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर CO सिटी वंदना सिंह और शहर कोतवाल राघवन सिंह ने छात्राओं को उनकी सुरक्षा के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की भी जानकारी दी। छात्राओं ने इस दौरान कई सवाल भी पूछे जिनका पुलिस अधिकारियों ने जवाब दिया। आज मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत
विभिन्न स्कूलों में जो एंटी रोमियो स्क्वाड है वो गया था, पार्क है, मंदिर है, वहाँ पर पहुँचा था, जिससे कि उनको सुरक्षा का एहसास हो। इसके अतिरिक्त न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में मैं स्वयं गई थी, वहाँ पर बच्चों को मिशन शक्ति अभियान के विषय में अवगत कराया गया। उनको जो भी उनकी सुरक्षा के संदर्भ में शासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उनसे अवगत कराया गया और साथ ही उनकी काउंसिलिंग भी की गई। इसके अतिरिक्त शाम को मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत ही फुट पेट्रोलिंग का कार्यक्रम रहेगा, ये प्रतिदिन चलेगा, जिसमें भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, बाजार हैं, चौराहे। कानपुर के विठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत विठूर रोड पर दो दिन पूर्व चर्चित कारोबारी पीयूष अग्रवाल के पुत्र पर जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम बीबी जीपीटीएस मूर्ति ने बताया कि फिल्में देखकर अपराधियों में रोड रेज का आइडिया आया था, जिसके बाद बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों के पास से 315 बोर तमंचा बरामद किया गया है। इकतीस मार्च 2022 परसों रात को देर रात एक सूचना हमें मिली थी कि रोड होल्डअप करके गाड़ियों पे पथराव हो रही है, तो तुरंत हम लोगों की फोर्स पहुंच गई है और उसी दौरान मात्र 10 घंटे में चार अभियुक्त हिरासत में ले लिए थे और पूछताछ के दौरान इनका नाम यही पता चला कि ये अमित गौतम, सुभाष गौतम, हरिओम निषाद और सौरभ निषाद, ये चारों उस समय पे बहुत ही मतलब नशे में भी थे। और पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि करीब 4-5 गाड़ियों पे इन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आर्यनगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया। बड़े चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा पर बढ़ती महंगाई का पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर थाली व ताली बजवाकर अनोखा प्रदर्शन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीसीपी राहुल मिठास को सौंपा। लेकिन लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार द्वारा चुनाव का परिणाम आने के बाद से वो जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, ऐसा लगता है जैसे उससे बदला लेने का काम कर रही हो। रसोई गैस का दाम 22 तारीख को 50 रुपये बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर का दाम 250 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल डीजल में प्रतिदिन 60 से 80 पैसे की बढ़ोतरी होकर 7-8 रुपये बढ़ गया, पीएनजी महंगी हो गई, सीएनजी महंगी हो गई। ना जाने इस सरकार जनता से किस बात का बदला ले रही है, जबकि वही जनता है जिसने फ्री राशन के नाम पर इनको दोबारा सरकार बना के भेजा है। तो हमें सुना है कि थाली बजाने से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, पहले कोरोना की बीमारी भी थाली बजाने से ठीक हुई थी, इसलिए हम लोग थाली बजा के सरकार का ध्यान जनता की समस्या। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को उठा